कैमरे पे मिर्चे वार दी हैं जी। बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। बात ये है, लाइट देख रहे हो, मैजिकल लाइट में मैजिकल मैन। व्हाट अ क्रेजी कॉम्बिनेशन, ट्रेजिक कॉम्बिनेशन। क्रेजी कॉम्बिनेशन, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, फकिंग इलिटरेट पीपल। हाँ भाई, कितना सारे बढ़िया, आपका भी बढ़िया। तो फाइनली आज हमारा जो इतना लंबा सफर चल रहा था, वो जिस मंजिल को पाने के लिए चल रहा था, आज हम उस मंजिल को पाने के लिए निकल रहे हैं। तो हमारी मंजिल है वो पहाड़ देख रहे हो, जो आज बादलों में छुप गया है। थोड़ा सा बादलों में छुप गया है पहाड़, क्यों? बर्फ से घिरा हुआ पहाड़। आज हमारे को वो मंजिल पाने के लिए निकलना है। मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपकी पैकिंग कितनी अच्छी है। तो पैकिंग सबकी डन हो चुकी है, ये सबके सामान, एक बैग जो खुद कैरी करना और एक बैग जो हमारे जो पोर्टर होंगे वो लेकर जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, आपकी पैकिंग स्मॉल और इफेक्टिवली करेक्ट होनी चाहिए। तो पहले मैंने जो कल पैकिंग की है वो आपको दिखा देता हूँ। आज सबसे पहले हम पैकिंग में बता दें आपको, अगर आप ऐसी ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो आपकी ट्रैकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो आपका बैग होना चाहिए अराउंड 75-80 लीटर का, ताकि उसके अंदर आप पैकिंग कर सकें, और पैकिंग जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं आपको आज अपनी पैकिंग दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले है थर्मल, जो आपको ठंड से बचाएगा। उसके बाद ये हमने एक कैप परचेज की है जो हमको बचाएगी ठंड से, और इसमें आपका चीता थोड़ा चीता लग रहा है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ ऊपर बर्फ में बहुत काम आएगी। ये वूलन के ग्लव्स थे, इसलिए ऊपर शायद इससे कुछ हमारा भला होता या नहीं होता, तो हमने एक पेयर ग्लव्स और खरीदे हैं। ये आए हैं कुछ 700 रुपीज़ के, आप मार्केट से जाके खरीद सकते हैं, ले से या मनाली से या जहाँ पर भी आप हों, पर इम्पोर्टेंट है। वूलन जैकेट, ये फ्लीस, टी शर्ट भी हमने सिर्फ दो रखी है और वो भी फुल स्लीव। दो ट्रैक पैंट, ये बारिश के लिए रेन पैंट, समझ रहे हैं आप, ये हो गया। ये रेन जैकेट जो हमारे को बारिश से बचाएगी, होप सो बारिश ना हो, अब नहीं तो हमारी लगने वाली है, ठीक है। ये हमने एक सेफ साइड में और रखा है ताकि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट लगे। उसके अलावा पेयर ऑफ सॉक्स, ये वूलन की, जो शायद बचाएगी। उसके अलावा मेडिसिन, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए, जैसे मैंने रखा है एंटीबायोटिक, सिट्राजिन, जो भी है, जो भी आपको लगता है वो मेडिसिन आप साथ में लेके जाएं। ये पानी का बोतल हमने रखा है, इसमें ठंडा और गर्म पानी, अच्छा पानी आ जाएगा इसमें, और कप भी मिला है हमारे को मुफ्त 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 मुफ्त। अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, क्योंकि इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। और ये जो हमारे को लास्ट दिन काम आनी है, ये जलाया हमने, क्या बात है। चलो बैक टू बेसिक पर जाओ, उधर बात करते हैं। तो आज की हमारी मंजिल है स्तोक कांगड़ी। तो स्तोक कांगड़ी एक दिन में तो हो नहीं सकता, उसके लिए लगेंगे 3 दिन। आज हमारा पहला पड़ाव है चांगमा। अभी में है हम ले में 11,000 समथिंग। आज जो चांगमा तक हमारे को पहुंचना है, वो हो जाएगा 13,000 फीट तक। तो उसके लिए पहुंचने के लिए सबसे पहले चाहिए टैक्सी, क्योंकि हमारे को स्तोक विलेज तक पहुंचना है। टैक्सी, तो टैक्सी मिल गई है हमारे को। यहाँ से हमारे को लगेगा कुछ हाफ एन आवर स्तोक विलेज पहुंचने के लिए। जो ट्रैकिंग के लिए हम जा रहे हैं, उसके लिए कल हमने एक वार्म अप सेशन रखा था, यानी कि ट्रायल ट्रैक, वो देख लो। अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो तुम्हारी गलती है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ वहाँ पर। जो कल की स्टोरीज देख लो, जो हम ट्रैकिंग जाके आए। कल की ट्रैकिंग शुरू करने से पहले हमारी ट्रायल ट्रैकिंग चल रही है, वहाँ तक जाना है। देखो हमारे दो कंटेंडर यहाँ तक हैं, दो कंटेंडर वहाँ तक पहुँच गए हैं, और हमारे को जाना है ये पहाड़ पे। और आपका चीता बीच बीच आले खड़ा हो गया है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी। जाएंगे जाएंगे, पोले पोले। क्यों पता नहीं कब तक ऊपर पहुँचूंगा, पर पहुँच गया हूँ मैं। और रजत पहुंच गया है, श्री पहुंच गया है, और रजत अपनी स्टोरी डाल रहा है। ओह यस, आप सब भी आ सकते हैं। तो हमने कर दिखाया, कर दिखाया श्री ने, रजत श्री नहीं है, श्री वो श्री नहीं है, वो श्री है, हम इज्जत से श्री बोलते हैं। देखो जी,
स्टोरी देखते देखते हम पहुंच गए हैं स्टोक विलेज में। और स्टोक विलेज में पहुंचने के बाद बहुत ही प्यारा है, वैसे पुराना गांव है, पुराना विंटेज बना हुआ है। और यहां पर पहुंच के हमारे दो काम है, एक तो हमारे बैग टांगने हैं इन पे, ठीक है, और दूसरा परमिट का काम। पहले इन पे सामान टांग लेते हैं, उसके बाद परमिट का क्या सीन है वो आपको बताऊंगा। तो ऐसा है कि बैकपैक हो चुके हैं, घोड़े वोड़े पे लग चुके हैं, पर आपको मिलवा दूं कि सफर में हमारे साथी हैं कौन कौन, समझ रहे हो, क्योंकि पंच पांडव जा रहे हैं इस ऊपर पंचायत बिठाने के लिए। इसकी हमारे को बात पूरे रास्ते सुननी है, जो ये बोले कि यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। तो कृष्ण से बात करके मैं ही बताऊँ। तो ये कृष्ण ही है, ठीक है वीर, कृष्ण ना चाहिए इसका, ठीक है। तो रजत, हाय गाइस, रितेश सर, हेलो, जो बहुत सर, कौन सा अटेम्प्ट है आपका, तीसरी बार का? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, उम्मीद है कि इस बार कामयाब हो जाऊं। और मैं इस छोटे से ग्रुप का सबसे युधिष्ठिर है हमारे, सीनियर सिटीजन हूं मैं इस ग्रुप का। यही हमारे को अपने ज्ञान से ऊपर लेके जाएंगे। ये देखो, ये हमारे श्री और श्री, ये अभी तक कंफ्यूजन है। ये आ गया सेट हमारा, सबसे यंगेस्ट टीम, यंगेस्ट टीम मेंबर, किड कुड कुछ नहीं है, ये चार्मिंग लौंडा है हमारा। ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है इसलिए ऐसे कर रहा भी है, पर ऊपर जाते जाते हमारे साथ सही कर देते हैं। बड़ों को ये कोई चीज है। एक इम्पोर्टेंट सूचना जो हमारे को देंगे कौन, मिस्टर रजत, वो है परमिट के बारे में। तो मिस्टर रजत हमारे को बताएंगे परमिट का क्या यूज है और कहाँ से हमारे को लेना पड़ता है, बताइए। बेसिकली गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हू हैव नॉट बीन टेकिंग एनी परमिट्स, वी डोंट डू दैट। One permit you need to take from the IMF, which is their office in Leh. Mr. Sonam will sign you the permit. No big deal. You just pay a couple of $100 and it's sorted. Other over here, other permits that you require over here, which can be obtained only and only from here, from Stoke Village. Jaise hi aap enter karenge, one first permit is the wildlife permit, okay, which is again 50 rupees per day per person, okay, which is also not much. And another is ALTOA, it's All Ladakh Tour Operators Association, that is 50 rupees per day per person too. Now, yani ki hum jitne din upar jayenge utne din count hoke, correct, 50 into 5 per person, ya 6 jitne bhi, yeah. Okay, aur aapko date batani padti hai jab aap wapas aa rahe hain, so that they can keep a track of you. Pehle kadam ke sath shuruaat, आराम से चलो चलो चलो, पोले पोले। तो कांगड़ी जहां पर हमारे को जाना है, यहां से दिख नहीं रहा वो है क्या है, छुप गया पहाड़ों के पीछे वहां पर इसलिए। और ये नदी है शायद, रजत यही नदी हमारे साथ साथ चलेगी, तो ये जो नदी है इसका कोई नाम है? अच्छा, इसका नाम हम रख देंगे जाते जाते, तब समझ लेना, ठीक है। तो ये नदी हमारे को ऊपर तक, हमारी पार्टनर है एक, एक्स्ट्रा पार्टनर, पांच लोगों के अलावा। ये कांगड़ी की लाइफलाइन है। हाँ भाई, गधे क्या क्यूट क्यूट है यार। जुले ये खूबसूरत सा पहला स्टॉपेज है, और मेरे सिर पर रजत ने बोला कि कपड़ा बांध लो, क्योंकि धूप और ठंड दोनों मिक्स कभी भी हो रही है, तो आप बीमार हो, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो उसके लिए आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, तो सेफ्टी फर्स्ट। सर ठीक हो? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। ये है पुष्पा, जो हमारे को सबको एनर्जी के साथ लेके जाने वाला है, समझ रहे हो। पुष्पा के काफ मसल की बहुत तारीफ हुई है, देखो देखो देखो,
भाई आठवां जूबा है ये। अरे बाप रे क्या बात है। धूप आ गई अब, मौसम ठीक था, चलना आसान था। पोले पोले चलो भाई, पोले पोले। ऐसा मौसम रहे तो ठीक है, धूप में हालत खराब हो रही है। एक तो अबे यार कहाँ तक। हाँ तो हम वहां से चले थे, वो दिख रहा है, वहां से चलते 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 एक ही क्लाइंब है, उसके बाद रास्ता ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लाइक ऊँट की सवारी करेंगे हम, वैसा हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर रुके अभी सर, पानी वानी का ब्रेक लिया। हेलो सर। तो ऐसा है, पानी वानी पियेंगे और अपना सिद्ध घर पे फोन कर रहा है क्योंकि ये लास्ट जगह है जहाँ पर नेटवर्क है। Inform your parents. ये हमारा तीसरा स्टॉपेज, राइट, ये लास्ट स्टॉप है और हम रितेश जी का वेट कर रहे हैं। रितेश जी रह गए हैं पीछे, उनके साथ है पुष्पा, ये देखो। आई थिंक वहाँ तक जाना है, वो टेंट लगा ना वहाँ तक। वेलकम वेलकम सर, चांगमा में आपका स्वागत है। किचन टेंट देखिए। तो हम पहुँच गए हैं जी चांगमा पे, अराउंड 13,000 फीट ऊपर हो गए हैं। 12:30 बजे निकले थे हम ले से और अभी टाइम हुआ 3:30 बज चुके हैं। ठीक है, ये पीछे हमारे टेंट लग चुके हैं, ये हमारा किचन है, उसके साथ हमारे रुकने के टेंट लग रहे हैं। बैठ के बात करते हैं यार, चल चल के थक चुके हैं। ओके जी, तो ये यहाँ पर ले से यहाँ का ट्रैक अराउंड 3 घंटे का है, अगर नॉर्मल इंसान चलता है, अगर थोड़ा स्लो चलता है 3.5-4 घंटे लग जाएंगे, और इससे ज़्यादा स्लो चलता है तो आओ ही मत, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं आपकी आने की यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैंने ट्रायल ट्रैक जो मैंने कल किया था उसकी वजह से सीखी थी, उसका मुझे आज फ़ायदा मिल रहा था। पहली चीज़ कि आप धीरे धीरे चलते रहो, रुको मत, बैठो मत, ठीक है, और आंखें तो बिल्कुल मत बंद करो क्योंकि ब्लैकआउट हो जाता है। सेकंड थिंग कि जब आप नीचे देख के चल रहे हो तो ट्रैकिंग के टाइम पे तो आपको ध्यान नहीं होता कि सामने पत्थर भी है, जब आप चल रहे हो तो आपके यहाँ पर पत्थर लग सकते हैं, इसलिए चौकन्ने रहना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। और आज के ट्रैक की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि जब आप चल रहे हो तो अपना सिर ज़रूर ढकें क्योंकि वो पसीने से ठंडा होता रहेगा और ठंडा गर्म की वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है तो आराम से अपनी एनर्जी को बचाते बचाते चलते रहें। उसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद जो आपके पहला स्टॉप होगा वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने जूते खोल लें और अपनी सॉक्स को सुखा लें,
और चप्पल जरूर लेके आए, क्योंकि मैं चप्पल नहीं लेके आया हूँ। मेरे को अभी बहुत ही अफसोस हो रहा है क्योंकि सब लोग चप्पल ले आए हैं। आज हम वॉक पर जाएंगे ताकि हमको ट्रैकिंग की ओर आदत पड़ जाए, राइट। तो इसलिए अभी खाना वाना खाएंगे, टेंट किचन लग गया है, पीछे हमारे टेंट लग गए हैं, यहीं पर रुकेंगे आज, रेस्ट करेंगे। और किधर से बाकी अगर कुछ होएगा तो आगे बताते हैं, क्योंकि ड्रोन शॉट तो अभी उड़ाएंगे, अभी हवा नहीं चल रही ड्रोन पर, परिंदा तो उड़ेगा। कैमरे पे मिर्चें वार दी हैं जी, बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। बात ये है, लाइट देख रहे हो, मैजिकल लाइट में मैजिकल मैन, व्हाट अ क्रेजी कॉम्बिनेशन। क्रेजी कॉम्बिनेशन, क्रेजी कॉम्बिनेशन, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश फकिंग इलिटरेट पीपल। ये जो ट्रायल ट्रैक होता है, एक्लेमेटाइजेशन वॉक, बैठ जाए, इतनी सारी अंग्रेजी एक दिन में दे देता है। इसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन वॉक। ये नेसेसरी इसलिए होता है कि आपको जहाँ पर आपका कैंप है उससे तकरीबन 1000-2000 फुट ऊपर लेके जाया जाए, थोड़ी देर वहाँ पे सांस दिलवा के 15-20 मिनट रुकवा के आपको नीचे लाया जाए। इस वॉक पे सबको बहुत आराम से चलना होता है क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको बहुत आराम आराम से रिदम बना के चलना है, इससे आपको नींद अच्छी आती है, इसलिए ये एक्लेमेटाइजेशन वॉक बहुत ज़रूरी होते हैं। थक के सो जाओ ताकि आप कल सुबह उठो और फिर से आप शुरू हो जाओ, इसलिए ज़रूरी है। और वैसे भी करने को कुछ है ही नहीं तो यही कर लो। सब पता नहीं क्या खोजने निकले हैं, कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो भाई। खुल खुल, वो क्या बोलते हैं, सिम सिम खुल जा भाई, इधर बोलो ना कहीं तो खुल जाएगा। सिम सिम खुल जा, खुल जा सिम सिम, सिम सिम खुल जा, सत्या सत्य 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 गूंजती है यहाँ पर आवाज। हो मंजुलिका, मोहिनी, राधिका, का ये हमारा आज का ट्रायल ट्रैक फाइनली आया। इस बार पांचों लोगों ने जंग जीत ली है, ठीक है जी सर, किसी ने हार नहीं मानी है। तो हम आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेंगे, उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि लंबी सांसें लेंगे तो यहाँ के टेम्परेचर के साथ हमारे को नीचे जाके इजी लगेगा, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं, समझे जी। नीचे उतरने का हमारे, ओहटा चमकता भी तो बहुत है एक तो फोटो में, ठीक है। पहले सर जी को हमने नीचे भेजा है, कहाँ गए सर जी, सर जी गए, और उनके पीछे कोई इसलिए नहीं जा रहा है जिससे वो कोई पत्थर उनको ना लगे, पहले वो लाइन से हट जाए फिर हम सब जाएंगे। तो अब नीचे उतर रहे हैं, क्या बजट बढ़ा, क्या बोलो, बजट बढ़ा हो क्या, इंग्लिश में क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोला, क्या अभी कुछ बोल रहा था ना, प्रीटी क्लीन, पानी बहुत साफ है, मुझे नहीं लगा था इतना साफ होगा, दैट मींस वाटर इज टू क्लीन। जितनी ये पूरे दिन में अंग्रेजी बोलता है उसने इतनी हिंदी बोल दी आज, समझ रहे हो, असर आ रहा है भाई, असर आ रहा है। चलो चलो अब नीचे उतरते हैं, ना होता बाहर है, बहुत ठंड, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया मेरे को देख के, दिल से खुशी हुई मुझे, और सब ऊनों में लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम क्या हुआ अभी, 7:30 8 o'clock इज डिनर, तो डिनर बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है भाई आज, आज बन रहा है भिंडी आलू मसाला। क्या बात है, भिंडी आलू मसाला, देखो करीब से देखो छोंका लग रहा है, और वो भी ऐसे पहाड़ पे, चांद वान दिख रहे हैं और छोंका भिंडी मसाला पे, आहा हा।
मजा आने वाला है। इंतजार, ये देखो पानी लेके आना पड़ता है नदी से, फुल मेहनत करके। और रात को पोर्टर जा रहे हैं, सामान जा रहा है, यानी कि ऊपर से कोई ट्रैकिंग करके नीचे गया है जी। पहाड़ों पर खाने का लुत्फ उठाएंगे हम। ओ हो हो हो, खाना लग गया। ये क्या है जी? सूप। नजारे नजारे। ये देखो, हमारे को बोल रहे हैं कि माउंटेन्स पे खाना दबा के खाना चाहिए। और बनाया क्या क्या है देखो, सैलेड इतना, फिर सूप, भिंडी मसाला, दाल, चावल, रोटियां, पापड़। मुझे कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। दबा के खाओगे तभी ऊपर पहुंच पाओगे। सत्य बाबा की जय। 8:30 हो गए हैं, खाना वाना हो गया हमारा। क्या लाजवाब खाना बनाया गया है, मजा आ गया। मतलब इन पहाड़ों पे आप सोच भी नहीं सकते, बिना कुछ सब कुछ साथ में पोर्टर के साथ हमारा आया है। क्या लाजवाब खाना मिला है हमारे को, बहुत मजा आ गया है। ये पावर बैंक पे बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, जो जो चीज़ें हमारे को चार्ज करनी है, क्योंकि यहाँ पर लाइट चार्ज करने का कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम पावर बैंक लेके आए हैं तीन तीन चार्ज करके। और अभी ठंडी हवाएं भी शुरू हो गई है, इसलिए खाना खाते ही सीधा टेंट में भागो, वही हाल था, इसलिए टेंट में आके बैठ गए। अब मिलते हैं कल, क्या समझे? चलो जी, चंगा फिर, रब रख, कल मिलते हैं। ये हमारा सिट बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ, मैंने इसकी चप्पल ले ली है। बुली है ये, बुली बुली करता हूँ मैं, बुली करता है बच्चों को। इनोसेंट चिल्ड्रन, क्या हुआ? पहले तो ये बताओ, इनोसेंट है वो? हाँ, मैं एज अ ट्रैक लीडर उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ। ये अपनी नहीं ले रहा मेरी के, मैं इन सबकी ले रहा हूँ रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि मेरे साथ आ रहे ट्रैक पे। दूसरी चीज ये ना, इसने इसलिए चप्पल भूल गया अपनी, ठीक है, कहता नहीं यार चप्पल भूल गया। और ये भाई साहब, यार तू बैठा हो ना, तू दे दे बेचारे को, जूते पहनवा दिए, खुद ने चप्पल पहनी हुई, हड़पी हुई उसकी, तो क्या करे अब? देखो कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ता है ना, इंडिया जुगाड़ से चलता है।